सातवां अध्याय देव पूजा विधान विष्णु पूजोपयोगी वज्रनाभ मंडल विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी जी का पूजा। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए कि ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चण्डाय नमः। इन मंत्रों से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः। इस मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिवमूर्तये शिवाय नमः। इस मंत्र से नमस्कार करके और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम इन मंत्रों को बोले कि ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाये वसट, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वसट, ओम ह्रः अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षडंग न्यास करें। उसके बाद ओम ह्रां सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रूं अघोराय नमः, ओम ह्रैं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रूं अघोराय नमः, ओम ह्रैं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रौं ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा का क्रम है कि ओम वासुदेवासनाय नमः। इस मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। उसके बाद ओम वासुदेव मूर्तये नमः, ओम अं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम आं ओम नमो भगवते शंकरषणाय नमः, ओम अं ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चक्रव्यूह को नमन करें अथवा भगवान के जो चतुर्व्यूह है उसका पूजन करें। उसके बाद भगवान के नामोच्चारण करते हुए कि ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म विष्णवे नमः, ओम क्षम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम भूः ओम नमो भगवते वराहाय नमः, ओम कम तम पम संवैनतेयाय नमः, ओम जम खम रम सुदर्शनाय नमः, ओम खम ठम हम सम गदायै नमः, ओम बम लम मम क्षम पांचजन्याय नमः, ओम घम डम बम हम श्रियै नमः, ओम गम डम बम सम पुष्टै नमः, ओम धम सम बम शम वनमालायै नमः, ओम सम दम लम श्रीवत्साय नमः, ओम ठम चम भम यम कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहे। हे वृषभध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वते नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंग न्यास करना चाहे कि ओम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम ह्रूं शिखाये नमः, ओम ह्रैं कवचाय नमः, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्र अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति
ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियाँ हैं इनका पूजन निम्न मंत्रों से करें कि ओम ह्रीं श्रद्धाये नमः, ओम ह्रीं ऋद्धे नमः, ओम ह्रीं कलाये नमः, ओम ह्रीं मेधाये नमः, ओम ह्रीं तुष्टे नमः, ओम ह्रीं पुष्टे नमः, ओम ह्रीं प्रभाये नमः, ओम ह्रीं मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का पूजन करें कि ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः। इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर कमल वासने सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजा के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रत्युत होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोपण करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे शाम्ब शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु की, कंठ में भगवान संकर्षण की, सिर पर प्रद्युम्न जी की, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु हूँ, मैं ही विष्णु हूँ ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्रीहरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदनंतर ईशान कोण में भगवान श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः, अग्नि कोण में ओम अग्नये नमः, दक्षिण में ओम यमाय नमः, नैऋत्य कोण में ओम निरतये नमः, पश्चिम में ओम वरुणाय नमः, वायुकोण में ओम वरुणाय नमः, उत्तर में ओम वायवे नमः, ईशान में कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमः। दिक्पाल की स्थापना करें इन मंत्रों से। इसके बाद इन सभी देवों की गंधादि उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्रीहरि ने कहा, रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवताओं के मूल मंत्र से 108 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। पुत्र लाभ के लिए 2 गुण, साधना सिद्धि के लिए 3 गुण और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक को चाहे वह 4 गुण आहुतियों से भगवान विष्णु की पूजा करें, हवन करें। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहे, उसके बाद वायवी कला से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला से हृदय की स्थिति की विचार करना चाहे। उसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहे। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों को जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उन 5 महाभूतों के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहे। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानसिक मंडल की कल्पना करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें। 4 द्वारों से युक्त है, हाथों को पद्म तथा अंगुलियों को पद्म पत्र कहा गया है, हथेली इस पद्म की कर्णिका है और नख इसके केसर हैं। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्रीहरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहे। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करें और उस शिष्य का नामकरण करें। भगवान श्रीहरि ने कहा, रुद्र, सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी जी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ, अब उसको सुनो। सबसे पहले ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः,
ओम फ्रेम फ्रेम स्रोम फ्रेम स्रोम फ्रह। इस बीज मंत्र से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच और नेत्र का न्यास करें। उसके बाद ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं सरसे नमः, ओम श्रोम शिखाए वसट, ओम श्रें कवचाय हुम, ओम श्रोम नेत्रत्रयाय वसट, ओम श्र अस्त्राय फट। इसके बाद चार प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्मगर्भ, चार द्वार और 64 पद्म कोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उसके अंगों तथा एक कोण में दुर्गा, गण एवं गुरु का तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। उसके बाद ओम घम टम डम हम श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री लक्ष्मी देवी का पूजन करे। उसके बाद साधक ओम सौम सरस्वती नमः, ओम ह्रीं सौम सरस्वती नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिन्ये स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वती नमः। इन मंत्रों को बोल करके सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहिए। 11वां अध्याय नव व्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह पूजा का वर्णन सुनाया था उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। साधक सबसे पहले जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय आकाश नामक तत्वों में प्रविष्ट करें। तदनंतर वह ओम रम मंत्र से पांच भौतिक शरीर का शोधन करें। उसके बाद यम से वायु तत्व का शोधन करें। बीज मंत्र से इस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करें। तत्पश्चात ओम लम इस बीज मंत्र से चराचर जगत के संप्लावित होने की भावना करें। उसके बाद वह बम इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमरत्व की भावना करें। उसके बाद बुध बुधों के बीच मैं ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ ऐसा मानकर आत्मतत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। उसके बाद शरीर तथा हाथ में तीन प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहे। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, उसके बाद कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडंग न्यास करें। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करें। उसके बाद वह पुनः मध्यम अंगुली पर दी दो बीज मंत्र से न्यास करे। पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानों और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कमलबद्ध आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करें। उसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथा कर्म सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, जानोद्वय तथा पद्मद्वय में भी न्यास करें। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक पांच बीज मंत्रों से न्यास करें। उसके बाद हाथ से मध्य भाग में नेत्र के बीच मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंग न्यास में भी इसी क्रम में हृदय भाग में, हृदय मस्तक में, मस्तक शिखा में, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्रद्वय में नेत्र और दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्रों को अवस्थित करना चाहिए। उसके बाद बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहे। उसके बाद वह आग्नेयादि दिशा में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा आग्नेय कोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ऐश्वर्याय नमः, पूर्व में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण में अज्ञानाय नमः, पश्चिम में अवैराग्याय नमः और उत्तर में अनैश्वर्याय नमः कह करके न्यास करें। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख अनंत अवस्था में स्थित होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करें। उसके बाद ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त सतपत्र वाले आठों दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करें। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से
सूर्य चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहे। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवीन शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योगपीठ की विधिवत पूजा करनी चाहे। उसके बाद पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन करे। तदनंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयादि न्यास करना चाहे। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करें। उसके पूर्व दल में ओम हृदयाय नमः, दक्षिण में ओम सरशेश्वाह, पश्चिम में ओम शिखाय वसठ, उत्तर में ओम कवचाय हूँ, मध्य भाग में ओम नेतत्प्रियाय वसठ तथा कोणों में ओम अस्त्राय फट कह करके न्यास करना चाहिए। उसके बाद पूर्वादि दिशा में यथाक्रम संकर्षण आदि बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैनते आय नमः कहकर वैनते को प्रतिष्ठित करके उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्त्राय नमः कहकर उच्चारण करके हजार अरों वाले सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। ओम श्रीये नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः करके लक्ष्मी जी की स्थापना करें। साधक को उसके बाद उत्तर दिशा में गदाय नमः शंखाय नमः उच्चारण करके न्यास करना चाहे। उसके बाद उन विष्णुदेव के दोनों और आयुधों का न्यास करें। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शारंग तथा देव के बाएं ओर ईश्व का न्यास करें। इसी प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का भी न्यास करें। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करें और उनके सामने उनकी ही मुद्रिका का प्रदर्शन करें। दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी हाथ की मध्यमा अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुली को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नृसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुष्टिकाओं का उत्थान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधी खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी उंगलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः दसों दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव बलराम प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी हैं। साधक को ओम आम वासुदेवाय नमः, ओम आम बालाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः कह करके पूजा करनी चाहिए। ओंकार तत्सत हुम क्षौम तथा भू ये पांच क्रमशः नारायण ब्रह्मा विष्णु नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक को ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः पद्मयोनि ब्रह्म, ओम हुम ब्रह्मणे नमः से विष्णु, क्षौम नरसिंहाय नमः से नरसिंह, ओम भूः महावराह से वराह का पूजन करें। उपरोक्त इन नौ देवताओं को वासुदेव बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण ब्रह्मा विष्णु नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्णन क्रमशः श्वेत अरुण हरिद्रावत पीत नील श्याम लोहित मेघवत श्याम अग्निवत पीत एवं मधु पिंगल हैं। अर्थात वासुदेव श्वेत बलदेव अरुण प्रद्युम्न हरिवत आदि आभा से सुशोभित रहते हैं। उसके बाद ओम कम टम पम सम बीज मंत्र से गरुड़, जम खम बम बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम सम चम फम सम बीज मंत्र से गदादेवी, ओम बम लम मम क्षम बीज मंत्र से शंख, ओम घम ढम भम हम बीज मंत्र से लक्ष्मी, ओम गम जम बम सम बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घम बम बीज मंत्र से वनमाला, ओम दम सम बीज मंत्र से श्रीवत्स, ओम छम डम यम पम बीज मंत्र से कौस्तुभ मणि युक्त है। मैं स्वयं अनंत ये सभी उस देवादिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्ण वर्ण, पुष्टि शीर्ष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित हैं। शंख पूर्ण चंद्र की कांत के समान श्वेत और कौस्तुभ मणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांत के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला पांच वर्णों से युक्त पंचवर्णी है और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, हे गरुड़ ये सभी विद्युत कांत के समान हैं।
भगवान विष्णु के समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नाम से जाना जाता है अथवा पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करना चाहिए। इस परम पावन आख्यान को श्री शूद जी महाराज नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषियों से सुना रहे हैं। बारवां अध्याय पूजानुक्रम निरूपण। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कह जा रहा हूँ। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद ओम यम रम बम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के स्वरूप को ही अपने को मान लेना चाहिए। तत्पश्चात करन्यास अथा देहन्यास करके तदनंतर हृदय में योगपीठ की पूजा का विधान है, जिसको इन मंत्रों से करना चाहिए। ओम अनंताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्रमंडलाय नमः, ओम वह्निमंडलाय नमः, ओम विमलायै नमः, ओम उत्कर्षण्यै नमः, ओम ज्ञानायै नमः, ओम क्रियायै नमः, ओम योगायै नमः, ओम प्रह्वै नमः, ओम सत्यायै नमः, ओम ईशानायै नमः, ओम सर्वतोमुख्यै नमः, ओम सांगोपांगाय हरेरासनाय नमः। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में अम वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके निम्न मंत्रों से हृदयादि न्यास करें। ओम आम हृदयाय नमः, ईं शिरसै नमः, ओम शिखायै नमः, ऐं कवचाय नमः, ओम नेत्रत्रयाय नमः, अह अस्त्राय फट नमः। उसके बाद ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, अह अनिरुद्धाय नमः, ओम अह नारायणाय नमः, ओम तत्सद् ब्रह्मणे नमः, ओम हम विष्णवे नमः, छं नरसिंहाय नमः, भूर्वराहाय नमो नमः। इन मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करें। उसके बाद साधक पुनः भगवान के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करें। कि कम टम जम सम वैनतेयाय नमः, जम खम बम सुदर्शनाय नमः, खम चम फम सम गदायै नमः, बम लम मम क्षम पांचजन्याय नमः, धम डम बम हम श्रियै नमः, गम डम बम सम पुष्टै नमः, धम बम वनमालायै नमः, दम सम श्रीवत्साय नमः, छम डम यम कौस्तुभाय नमः, संसारंगाय नमः, इम इशुद्भ्याम नमः, चम चरमणे नमः, खम खड़गाय नमः, ओम लम इंद्राय सुराधिपतये नमः, ओम रम अग्नये तेजोधिपतये नमः, ओम यमाय धर्माधिपतये नमः, ओम क्षम नैरृताय रक्षोधिपतये नमः, ओम वम वरुणाय जलाधिपतये नमः, ओम यम वायवे प्राणाधिपतये नमः, ओम धाम धनदाय धनाधिपतये नमः, ओम हाम ईशानाय विद्याधिपतये नमः। उसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिग्पाल देवताओं के निम्न आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। कि ओम वज्राय नमः, ओम शक्ते नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इसके बाद भगवान अनंत का ब्रह्मदेव को इस मंत्र से प्रणाम करें। उसके बाद पुनः ओम लम अनंताय पातालाधिपतये नमः, ओम खम ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः। इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। सात ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों
और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ओम नमः, ओम नम नमः, ओम ओम नमः, ओम ओम भम नमः, ओम गम नमः, ओम वम नमः, ओम तेन नमः, ओम वाम नमः, ओम सुम नमः, ओम देन नमः, ओम वाम नमः, ओम यम नमः, ओम ओम नमः, ओम नः नमः, ओम ओम नमः, ओम नान नमः, ओम रान नमः, ओम यम नमः, ओम नान नमः, ओम यम नमः। द्वादशाक्षर मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। ये दशाक्षर मंत्र है। उसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का भी उच्चारण करें कि ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करने के नियम मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को प्रणाम करें कि नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वज। हे पुंडरीकाक्ष आपको प्रणाम, हे विश्व के कारणभूत आपको मेरा प्रणाम है, हे ब्रह्मण्य देव आपको प्रणाम, हे महापुरुष, हे पूर्वज आपको मेरा प्रणाम। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। उसके बाद साधक मंत्र का विधिपूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और जितंतेन, यह स्तोत्र ही महापुरुष विद्या है, इस स्तोत्र से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अग्नि की स्थापना करें। साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करें। अपने बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मात्रों से अच्युतादि आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करें। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहे और उसके बाद यज्ञ कुंड का अध्यक्षण करना चाहे। यथाविधि भ्रमाण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापन करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्मा का मन से ध्यान करें, मंडल में उन सभी को स्थापित करें। उसके बाद वह साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति देकर वह संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन्हें 6 देवों की भी पूजा करके अन्य देवताओं को भी 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करें। इसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित स्थित होकर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। वह साधक बाणे से अतीत उस परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करे और निम्नलिखित मंत्र से भगवान वासुदेव और उन सभी देवताओं का विसर्जन करे। ओम गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो निरंजनः, गच्छन्तु देवता सर्वाः स्वस्थानस्थिति हेतवे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव, शंकरसनादि और इंद्रादि दिग्पाल, आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, शंकरसन और पुरुष के युक्त देवों का नवव्यूह चक्र माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से वह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देवता की पूजा करने पर वह घर आदि की रक्षा करता है, अतः निम्न मंत्रों से चक्रादि की भी पूजा करनी चाहे। ओम चक्राय स्वाहा, विचक्राय स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, महाचक्राय स्वाहा, ओम असुरांत कृत ओम फट ओम सहस्त्र सार ओम फट। उपर्युक्त मंत्रों की कई पूजा द्वारा चक्र की पूजा होती है। इस समस्त संपन्न की गई पूजा चक्र घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी होती है। 13वां अध्याय, विष्णु पंजर स्तोत्र। भगवान श्रीहरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे आप लोग सुने।
कि ओम प्रवक्ष्याम्यधुना हेतद् वैष्णवं पंजरं शुभम नमो नमस्ते गोविंदे चक्रम गृह्य सुदर्शनम प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः गदां कौमदकीं गृह्य पद्मनाभे नमोस्तुते याम्यां रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनंदं नमस्ते पुरुषोत्तमं प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमाथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ईशान्यां शरणं गतः पांचजन्यं महासंघं अनुघोष्यं च पंचकं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णु आग्नेयां यज्ञसूकर चंद्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चांद्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरिन् वैजयन्तीं संप्रगृह्य श्रीवत्सं कंठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोस्तुते वैनतेयं समारुह्य त्वंतरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजितः सदा नमस्तेस्त्व पराजित विशालाक्ष समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीने नमोस्तुते करशीर्षाद्यंगुलीषु सत्यत्वं बाहुपंजरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णु नमस्ते पुरुषोत्तमं एतदुक्तं शंकराय वैष्णवं पंचरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशयामास सातेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकंटकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। हे गोविंद, आपको नमस्कार। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन। आप अपनी कौमुदकी गदा धारण करके दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा बार बार प्रणाम। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष, आप सनातन नामल मुसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा प्रणाम। आप खड्ग चर्म आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ दयालु। आप पांचजन्य नामक शंख और अनुघोष नामक पद्म ग्रहण करके अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान दे दीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम। आप वैजयंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायुकोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैनतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित प्रभु, आपको सदैव मेरा प्रणाम। हे कूरमराज, आपको नमस्कार। हे महामीन, आपको नमस्कार। हे मत्स्य रूप महाबाहु, आपको अपनी बाहु पंजर जैसा स्वीकार करके हाथ सिर अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा प्रणाम। हे वृषभध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया।
इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है, पाठ करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता को प्राप्त करता है। 14वां अध्याय ध्यान योग का वर्णन करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा कि अब मैं योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को तुम सुनो। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योग की योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही क्षय उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु क्षुदा एवं पिपाशा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्मस्वरूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म रहित क्षर अक्षर कूटस्थ चेतना भुक्ता से अतीत मन के साथ पांच इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित हूँ। मैं स्वयं अतीन्द्रिय होता हुआ दृष्टा श्रोता एवं घ्राता हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा नाम और गोत्र से शून्य मननशील सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है, मैं अमना हूँ और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि रूप गुफा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगत मनस्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राणस्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत स्वप्न एवं सुसुप्त इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप हूँ। मैं ही निर्गुण स्वरूप हूँ। मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध अजर सर्वव्यापी सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परमपद परमेश्वर का ध्यान करता है वह निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। हे सुब्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ करता है वह परमपद को प्राप्त करता है अथवा मेरे विष्णु रूप को प्राप्त करता है। हे सुभाषद शंकर, इसलिए श्रद्धा और भक्ति से इस विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ करें। जो इसको पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, निश्चित वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। आए भाव से विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ करें। ओम प्रवक्षाम्यधुना हेतं वैष्णवं पंजरं शुभं कि नमो नमस्ते गोविंदे चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभ नमोस्तुते याम्यां रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न एशान्यां शरणं गतः पांचजन्यं महासंख मनुघोष्यञ्च पंकजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णु आग्नेयां यज्ञसूकर चंद्रसूर्य समागृह्य खड्गं चांद्रवसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते इन्द्रकेसरिन् वैजयन्तीं संप्रगृह्य श्रीवत्सं कंठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोस्तुते वैनतेयं समारुह्य त्वंतरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्त्वा पराजित विशालाक्ष समारुह्य रक्ष त्वां मां रसातले
अकूपार नमस्तुभ्यं महामेन नमोस्तुते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यत्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षसु मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमम् एतदुक्त्वा शङ्कराय वैष्णवं पञ्चरं महत् पुरा रक्षार्थमेषाण्याः कात्यायन्या बृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जन परो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। सोलुमा अध्याय भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। पुनः भगवान रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान श्री हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध स्वरूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यक्त हैं। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय परब्रह्म हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर के गतिश्वर हैं। चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति में उनकी स्थिति नहीं है, अर्थात वे आसक्ति से परे कहे गए हैं। वे निर्गुण हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहते, नेत्र पाणी पाद पाय उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हरि मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह्य, प्राण अपान व्यान वायु से रहित हैं। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, उसको सुनो। ओम ख खोलकाय नमः। जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है, निम्न मंत्र के अंगन्यास जप करके साधक को सूर्य की पूजा करनी चाहे। उसके बाद ओम खक खोलकाय त्रिदशाय नमः। ओम विचिठट शिरसे नमः। ओम ज्ञानने हट शिखाये नमः। ओम सहस्र रश्मये ठट कवचाय नमः। ओम सर्वतेजोधिपतये ठट अस्त्राय नमः। ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट ठट नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। उसे अग्नि प्रकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र भी कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण जप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए भी प्रणाम करना चाहे कि ओम धर्मात्मने नमः, ओम यमाय नमः, ओम दंडनायकाय नमः, ओम देवताय नमः, ओम श्याम पिंगलाय नमः, ओम दीक्षिताय नमः, ओम वज्रपाणये नमः, ओम भूर्भुवः स्वः नमः। हे वृषभध्वज, साधक को चाहे कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः। ओम अंगारकाय क्षितिसुताय नमः। ओम बुधाय सोमसुताय नमः। ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः। ओम शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः। ओम शनैश्वराय सूर्यात्मजाय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। निम्न तीन मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्य प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहे कि ओम अनुरुकाय नमः, ओम
प्रमथ नाथाय नमः ओम बुधाय नमः ओम भगवन् परिमिति मयूखमालिन सकल जगत पतये सप्ताश्ववाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुलिंग पिंगल तत् एहि इदमर्ग्यम मम सरसि गतम ग्रहण तेजो ग्रह रूपम अनल ज्वल ज्वल ठट ठट नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देवताओं का पुनः विसर्जन करें कि ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्रकिरणाय गच्छ सुखम पुनरागमनाय। हे सहस्र रश्मि भगवान भास्कर आपके लिए मेरा प्रणाम। हे कृपालो आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारे। पुनः भगवान श्रीहरि ने कहा हे रुद्रदेव मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसे मैंने पहले कुबेर जी से कहा था कि सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिकायुक्त अष्टदल कमल बनाएं, तदनंतर सूर्यदेव का आवाहन करें, तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें, उन्हें स्नान कराएं, उसके बाद साधक अग्निकोण में देव के हृदय की स्थापना करें, ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करें, वह पुनः एकाग्र चित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों का पूजन करके द्वितीय कक्षा के साथ में ही द्वादश सूर्यों की स्थापना भी करना चाहिए जिनके नाम हैं भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूखा, इंद्र और विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों और शेष वासुकी आदि नागों की भी पूजा करनी चाहिए। 18वां अध्याय मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों अब मैं मृत्युंजय मंत्र का पूजन सुनाता हूँ जिसको गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा ऋषियों मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह तीन अक्षरों वाला है। पहले ओम का उच्चारण कर जूम हुम का उच्चारण करें, उसके बाद विसर्ग के साथ स्वह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जूम सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से भी कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समय होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य को मृत्यु को अभय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु से भय नहीं रहता, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को वह पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए भरत हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में भरत मुद्रा तथा हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने का विधान है। अमृतेश्वर का ध्यान करके बांग में रहने वाली अमृत भाषणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए।
देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हो रहा है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जूम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा महाव्याधि से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन स्थापन रोधन संधान निविशेष करने के बाद पाद्य आर्घ्य से पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात उनका विसर्जन भी करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमेश्वर परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है वह क्रम से बतलाया गया है, उसे जो जानता है वह पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मात्र का गण देवता गणेश्वर गणपति नंदीश्वर गंगा जी आदियों का भी दीवन पूजन स्थापन करना चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः ओम जूम हूं सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चारण करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव कृष्ण ब्रह्मा गण चंडिका सरस्वती और लक्ष्मी आदि की पूजा भी करनी चाहिए।